और जब हमारे यहाँ अलायंस करने की बात आती है तो हकलाते हैं कि अंदर बोलूं बाहर बोलूं, और बिना वो ऐसी उनका काम नहीं चलना। और इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज करती हूँ, अल्लाह ने चाह लिया तो इनको हैदराबाद तक जाना पड़ेगा घुटने टेकने के लिए। पाल चचा जी जो आए हैं उनको बचाने आए हैं, पूछो कहाँ बचाने आए हैं। ये जो छापा मारी हो रही है तो चचा भी बच्चा ना बन जाए, तो उनको डर लग रहा है कि अपने बच्चे को बचाओ नहीं उसकी आड़ में हमारा भी पत्ता साफ होगा। वो इत्र नहीं है उनका, वो क्लोरोफार्म है, पैसे को छुपाने के लिए इत्र का प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं वो कि मैं बिजनेसमैन के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने काले धन को छुपा रहे हैं। अल्लाह रहमान रहीम। जो लोग ये समझ रहे थे कि 70 साल से ये कौम गूंगी है, उनसे मैं 2 लाइन शेर की कह देना चाहता हूँ कि नाले बुलबुल शायदा सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो हमारी बारी आई है। अब जिगर थाम के बैठो, अब हम बताएंगे कि क्या होता है बोल। ये गूंगे समझ रहे थे हम लोगों को, लेकिन अब देखिए हमारे पास ऐसा लीडर है, और वो लीडर ही नहीं, उनका हर एक कार्यकर्ता इतना बोलता है कि समाजवादी हो, कांग्रेस हो, चाहे जो हो, उनका बड़े से बड़ा प्रवक्ता अगर बैठ गया हरा नहीं सकता है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको। अब महिला हैं उधर जो है प्रियंका गांधी स्कूटी दे रही हैं और कह रही हैं महिलाएँ महिला हूँ लड़ सकती हूँ, और आप जो है ओबीसी साहब की तरफ आ गए। देखिए स्कूटी में चलाने के लिए दम चाहिए, उसमें हो गई पेट्रोल महंगा। अगर टैंकर का और टैंक का इंतजाम प्रियंका जी करें तभी वाजिब है स्कूटी। इसलिए या तो मोदी जी से उनकी मशविरा चल रही होगी अंदरूनी कि भैया स्कूटी हम दे रहे हैं, तेल आप देते रहिएगा, तब तो हम समझ सकते हैं, वरना वो स्कूटी किसी काम की नहीं है, खड़ी रहेगी। ठीक है, वैसे ही खड़ी रहेगी। गठबंधन कर ले जो है बीजेपी और कांग्रेस, तेल और उसके लिए। हाँ, बीजेपी कांग्रेस हो, अखिलेश हो भैया उनके, और बुआ बबुआ है, जो भी कर ले मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा कहना एक ही है कि तेल जब इतना महंगा है तो हमें स्कूटी क्या जरूरत है। क्या करेगा उसको गरीब आदमी स्कूटी पे स्कूटी लेके उनकी, भाई है बात ही नहीं। वो तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटें भी रिजर्व कर रही हैं महिलाओं की। हाँ, अभी तक क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं किया इतने सालों से। अमेठी क्षेत्र में जाके देखिए वहाँ की जनता क्या रो रही है, समझ रहे हैं। एक बार में स्मृति ईरानी ने पानी पिला दिया उनको, जबकि उनकी वजूद ही नहीं था। एक नाटक नौटंकी टीवी सीरियल वाली लेडी और उस अमेठी क्षेत्र को तबाह करके रख दिया, तो तब प्रियंका जी कहाँ थी भाई, राहुल जी कहाँ थे। सोनिया जी को तो मीडिया पे लाना भी नहीं पसंद करते वो लोग, और राजीव जी के बाद सोनिया जी ऐसी थी कि फील्ड में आ गई थी वो घटना को देखते हुए, वरना ये बहुत पहले खत्म हो। अच्छा, आपको हमने देखा AIMIM की हर रैली में पहुंचती हैं, AIMIM की रैलियों में आप क्यों पहुंचती हैं। हम इसलिए पहुंचते हैं, हमारा सदर मोहतरम जनाब बारिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब ऐसे मतलब कायद है हमारे कि उनके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है। एक दो बंदों की बात मत करिए, जो बच्चे 5 साल के हैं वो भी टीवी पे कहते हैं या इस पे, अब गेम खेलना छोड़ दिए बच्चे, अब बच्चे क्या कहते हैं, देखिए असद साहब का प्रोग्राम हमें सुनना है मम्मा। ठीक है, सबके बच्चे कहते हैं, सबके बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चे। ठीक है, तो अब जब हमारे बच्चे पैदा होते ही असद साहब को फॉलो कर रहे हैं तो आगे के लोगों को पूछिए भी बताएं। पैदा होते ही जो है भड़काऊ भाषण सुनवा, भड़काऊ भाषण नहीं है वो, समझने की बात है। हक का फैसला खुदा करता है। ठीक है, नूर हक समा इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है, समझे। ऐसा है कि हमारे सदर को कोई छू नहीं सकता कि किस मुकाम पे उनको खुदा ने पहुंचाया है, समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको छू नहीं सकता, और समाजवादी पार्टी की रैलियों में मुसलमान नेताओं को साइड किया जा रहा है, उनको स्टेज से उतारा जा रहा है क्या। हाँ, उनकी वही औकात है।
वो अपने औकात की पर्चे दे रहे हैं, जहाँ इज्जत मिलती है लोग वहाँ उनको सूट नहीं करता, और जहाँ ये इज्जतें मिलती हैं वो मुँह छुपा के भागना शुरू करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। लालच बहुत बुरी बला होती है, लालच से ज़िंदगी उनकी नहीं कटेगी कि हमें पुलिया का ठेका मिल जाएगा, हमें मिट्टी पटाने का ठेका मिल जाएगा, टेंडर के लिए हम पीछे पीछे घूमे और इनको मिलना भी नहीं है इंटर टेंडर। और जो अपने दौर में पहली पीरियड में अखिलेश ने कर दिया, वो आने वाले वक्त में कुछ नहीं करेंगे। पहले अच्छा काम किया था, अच्छा हो या बुरा हो मैं नहीं कहती, इसलिए कि हमें अच्छा भी दिखा नहीं, बुरा ही बुरा में हम लोग अभी तक तब्दील हैं। मुझे अच्छा कुछ नहीं दिखा, क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए भाई? वो तो कह रहे काम बोलता है हमारा, काम उनका कुछ नहीं बोल रहा है, अब वो भी बोलना बंद कर देंगे। उनका काम हम कुछ नहीं बोल रहा है, वो दिखावे का नाटक है, वो अपने घर वालों को बुलवा नहीं पा रहे, बाहरी को क्या बुलवाएंगे, सामने आके बात करें, वो खातिब हों, क्यों नहीं बोलते हैं भाई? और जब हमारे यहाँ अलायंस करने की बात आती है तो हकलाते हैं कि अंदर बोलूं बाहर बोलूं, और बिना वैसी उनका काम नहीं चलना। और इंशाअल्लाह ताला मैं चैलेंज करती हूँ, अगर हमारी सीट अच्छी निकल गई, अल्लाह ने चाह लिया, तो इनको हैदराबाद तक जाना पड़ेगा घुटने टेकने के लिए। और आपके जो साथ थे राजभर को आपने साथ लिया, शिवपाल को साथ लिया, दोनों जो है चले गए छोड़। अच्छा, शिवपाल से तो हमारा कोई मैटर ही नहीं था, भाईचारा तो बातचीत अलग है, सीनियर जूनियर का रिस्पेक्ट करना हमारे सदर में ये क्वालिटी बहुत बड़ी है। हीरो इसीलिए कहे जाते हैं, पूरे इंडिया के ऑल वर्ल्ड के हीरो हैं। अखिलेश यादव में ये क्वालिटी नहीं है? नहीं है, वो तो बस अपने काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे कायद का मतलब है कि आज राजभर जो उठे हैं उनमें जो खुशबू मिली क्लोरोफॉर्म की, उसकी बदौलत वो आगे बढ़ गए, समझ रहे हैं? हाँ, वो ऐसी चीज है कि जो एक बार उनको देख लेता है तो पागल हो जाता है, उसी पागलपन में वो अपना काम बना लेगा, लेकिन उसमें भी फायदा नहीं है, वहाँ से भी पत्ता साफ हो जाएगा, वो बिन पेंदी की लोटा है, देसी कहावत है, जो बिना पेंदी का लोटा होता है वो लुढ़कता ही रहता है, काम नहीं चलेगा उनका वहाँ भी। अब आप आए उस पे मुद्दे पे, ये क्या कहते हैं इनका, अरे वो चचा शिवपाल जी, शिवपाल चचा जी जो आए हैं उनको बचाने आए हैं। पूछो कहाँ बचाने आए हैं, ये जो छापा मारी हो रही है, तो चचा भी बच्चा ना बन जाए, तो उनको डर लग रहा है कि अपने बच्चे को बचाओ, नहीं उसकी आड़ में हमारा भी पत्ता साफ होगा, ठीक है? नहीं तो वही बीजेपी थी कि बच्चे को हटाने के लिए मायावती का बंगला चचा को दे दिया, अब चचा जहाँ से निकले थे वो बच्चे के पास भी निकल गए, ठीक है? इनको सेफ करने के लिए अब्बा चचा बच्चा जितने हैं अंडा बच्चा सब लगे हैं, ठीक है? अब ये आप समझिए। अच्छा, आपने अभी खुशबू की बात करी, अखिलेश यादव समाजवादी इत्र बांट रहे हैं, वो खरीद, वो इत्र नहीं है, हम ऐसे ऐसे इत्र दे देंगे वो आगे भागे फिरेंगे, वो इत्र नहीं है उनका, वो क्लोरोफार्म है, पैसे को छुपाने के लिए इत्र का प्रोजेक्ट दिखा रहे वो कि मैं बिजनेसमैन के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने काले धन को छुपा रहे हैं। आज हमारा नेता जो था, पहले हम लोग भी, कोई मेरा रहबर नहीं था, मसीहा नहीं था, तो हम लोग समाजवादी में रहते थे, वो मेरी मजबूरी थी, ये ना समझे गुलामी थी, मजबूरी थी, जब मेरा कायद हमें मिल गया अपने मन पसंद का, तो हम लोगों ने गुलामी किनारे कर दी। गुलामी कौन कर रहा है? गुलामी कर रहे हैं जो उसी लायक है, जिसको जरूरत है बता दिए, थोड़ी पुलिया दे दो, कहीं नाली खुदवाना है 100 मीटर, 5 मीटर मिट्टी पटवाना है, ऐसे ऐसे लोग लगे हो पाएंगे वो भी नहीं, ठीक है? उसके चाल को अभी पहुंचेंगे नहीं, वो शतरंज की दूसरी चाल चाह रहा है चलना। कौन? अखिलेश यादव। हाँ। शतरंज की ये दूसरी चाल चलेगा, 400 सीट लेकर आ रहे हैं वो, कुछ नहीं लाएगा, जीरो। हाँ, चार निकालने बहुत बड़ी बात है, उस वक्त मुसलमानों का हाथ था, तब उन्होंने 40 और कितना निकाल लिया था, डेटा क्लियर नहीं है। लेकिन अब उनका वक्त बताएगा कि आटा और दाल और चावल तेल का भाव क्या है। अब तो अबू आसिम आजमी है ना उनके साथ, अबू आजमी को मालूम होगा आपको आजमगढ़ की क्या क्वालिटी रही होगी। अबू आजम भी अपने ऐप को छुपाने के लिए वो पार्टी ज्वाइन किए हैं, जितने कम खराब से खराब लेवल के लोग हैं समाजवादी में जाएंगे, हर लंद फंद करने वाले, किसी की बहन बेटी को भगा लो, किसी के यहाँ लेमारी कर लो, किसी के साथ जुल्म कर दो, कहीं मर्डर करवा दो, वो जितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे वो समाजवादी में ही मिलेंगे।
बात समझ गए, साफ सुथरी पार्टी उनको इसीलिए रास नहीं आ रही है सर साहब की, कि यहाँ भाई नियमानुसार काम होगा, सच्चाई के हिसाब से काम होगा, गरीबों का, दबे कुचलों का, शोषित वंचित का काम होगा, यहाँ जो चीज़ नहीं है उन कामों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, गरीब लोगों के लिए कारोबार उसी में दिया जाएगा। जब हमारे बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बड़ा बड़ा कारोबार होगा यहाँ, तो जितने दबे कुचले हैं हमारे वो सब उसी में काम भी करेंगे। कुछ बात कही जाती है, कुछ बात समझी जाती है।